Now log in the history of Targaryen dragon, there are four largest dragon exist in the timeline, जिसमें से दो मारे जा चुके हैं और दो अभी जिंदा हैं, वेगार एंड वर्मिथोर, एंड एगन द कॉन्करर के टाइम पर बलेरियन जो लार्जेस्ट ड्रैगन था नंबर वन साइज का, देन उसके बाद मेराक्सिस ड्रैगन, एंड वेगार भी उसी टाइमलाइन का है लेकिन ये जिंदा है अभी तक, और मेराक्सिस और बलेरियन ये दोनों मारे जा चुके हैं अपने ही टाइमलाइन में। देन उसके बाद वर्मिथोर आया चौथे नंबर का लार्जेस्ट ड्रैगन, जो आफ्टर द कॉन्क्वेस्ट 30 से 35 साल के बाद इसका जन्म हुआ था। तो अभी चारों के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि अभी तक यही बात चल रही थी या बहुत से लोगों का बिलीफ ये बन चुका है कि वेगार ही लार्जेस्ट ऑफ द ड्रैगन है इन द हिस्ट्री ऑफ टारगेरियन ड्रैगन्स, लेकिन ऐसा नहीं है बाबा। लार्जेस्ट ड्रैगन के इस लाइन में वेगार थर्ड नंबर पर आता है, और नंबर वन पे आता है बलेरियन ड्रैगन, जो खुद एगोन द कॉन्करर का ड्रैगन था। भाई साहब, ब्लैक ट्रीट करके इसको ट्रीट किया जाता है, इसका नाम लिया जाता है, डिनोट किया जाता है, और बताया यहाँ तक जाता है कि भाई साहब जब ये ड्रैगन आता था ना बलेरियन, लोगों का मुँह निकल जाया करता, अच्छे अच्छे राजाओं का भाई साहब मुँह निकल जाया करता था, और इससे लड़ने की बजाय पहले ही घुटने टेक दिया करते थे, क्योंकि ये साइज में बहुत बहुत बड़ा था। कहाँ यहाँ तक जाता था कि ये छोटे मोटे टाउन के ऊपर से जब उड़ा करता था तो पूरे टाउन को ही निगल जाया करता, उसकी जो परछाई थी, इतना बड़ा ड्रैगन था भाई। इसके जीवन काल में चार राइडर रहे हैं अभी तक, एगोन द कॉन्करर जो पहला अपना ब्रेव किंग रहा है, देन उसके बाद मेगर द क्रूअल, देन उसके बाद प्रिंसेस एरिया टारगेरियन, देन उसके बाद लास्ट था किंग विसेरिस टारगेरियन। वैसा बलेरियन को ब्लैक ड्रीड करके भी कहा जाता था, पुकारा जाता था, यानी काला शैतान करके पुकारा जाता था। और भाई साहब, इस खूंखार दरिंदे का इस्तेमाल एगोन द कॉन्करर ने जबरदस्त किया था सातों साम्राज्य को जीतने के लिए, और अच्छे अच्छे राजाओं की धज्जियां उड़ा दी थी। इतना नरसंहार किया था इस ड्रैगन के साथ भाई, अनगिनत लाशें बिछाई थी इसने। एंड इसका नाम बलेरियन कैसे पड़ा, वलेरिया के एक ओल्ड गॉड के नाम पर ही इसका नाम बलेरियन पड़ा है। एंड अ क्वेश्चन इज दैट कि भाई साहब बलेरियन जो ड्रैगन है, क्या ये वेगार को हरा सकता था? भाई साहब इजली वेगार को ये धज्जियां उड़ा सकता था इजली। देन सेकंड नंबर पर आता है मेराक्सिस ड्रैगन, जिसका वन एंड ओनली वन राइडर रहा है और बहुत छोटा जीवन काल रहा है, कॉन्क्वेस्ट के टाइम पर ही इसका जीवन काल रहा है, और मेराक्सिस ड्रैगन साइज में सेकंड लार्जेस्ट साइज में आता है, वेगार से भी बड़ा। हाँ, इसके राइडर थी रैनिस टारगेरियन, जो सिस्टर एंड वाइफ थी एगोन द कॉन्करर की। मेराक्सिस ड्रैगन के लिए कहा यह जाता था कि भाई साहब ये पूरे पूरे घोड़े को बिना चबाए ही निगल जाया करता था, ये इतना बड़ा ड्रैगन था। देन उसके बाद जो इसकी कदकाठी थी, इसकी जो स्ट्रक्चर था, वो बिल्कुल डायनासोर से मिलता जुलता था, और ये मोस्टली दो पाँव का ही सहारा लिया करता था चलने में, जो बिल्कुल लुक लाइक डायनासोर का ही फील देता था, और बाबा इसे देखकर ही लोगों का मुंह निकल जाया करता था। खूंखार दरिंदे में ये काउंट करा जाता है। देन उसके बाद बहुत छोटी लाइफ रही थी, ड्रोन के पेट्रोलिंग के दौरान या फिर उसके चढ़ाई के दौरान रैनिस टारगेरियन के आँख पर किसी डोरनिस के द्वारा स्कॉर्पियन जहरीले तीर से निशाना लगाया गया, जिससे तुरंत ऑन द स्पॉट न कि सिर्फ रैनिस की मौत हुई, साथ में एक मेराक्सिस ड्रैगन की भी मौत हो गई थी। देन थर्ड नंबर पर आता है द क्वीन ऑफ ड्रैगन वेगार, जिसने भाई तबाही मचा रखी हाउस ऑफ द ड्रैगन सीजन 2 पर, और एमंड इसका लास्ट ड्रैगन राइडर है। इसके भी जीवन काल में चार राइडर हुए हैं, पहला है विसेनिया टारगेरियन, जो वाइफ एंड सिस्टर थी एगोन द कॉन्करर की, एंड सेकंड था बैलन टारगेरियन, देन उसके बाद लेडी लेना वलेरियन, जो सेकंड वाइफ है अपनी डेमन टारगेरियन की, मतलब थी डेमन टारगेरियन की, देन उसके बाद अभी जो अपना यंग लौंडा जो आया है एमन टारगेरियन, बाबा इसने तो फाड़ के रखी है सबकी आंखों की नींद उड़ा के रख दी है, धज्जा उड़ा के रख दिया है भाई। क्वीन रनेरिया टारगेरियन अलग परेशान है कि मैं आखिर करूं तो करूं क्या इस एमन टारगेरियन का, कैसे इसको मतलब टैकल कर पाएं, कैसे इसको कब्जे में ला पाएं, यानी कंट्रोल में ला पाएं, क्योंकि वेगार का जो इस्तेमाल ये कर रहा है वो इस्तेमाल विसेनिया टारगेरियन ने किया था। वेगार इतना खूंखार इसलिए भी है क्योंकि विसेनिया टारगेरियन बहुत फाइन राइडर थी, और उसने इससे इतनी बेहतरीन तरीके से ट्रेन करा था कि खूंखार की लिस्ट में तीसरे नंबर पर आता था। और जब बलेरियन, मेराक्सिस और वेगार ये तीनों ड्रैगन एक साथ उड़ा करते थे ना, लोगों की रूह कांप जाया करती थी, लोगों का मुंह निकल जाया करता था, बाय गॉड खड़े खड़े। सेम लाइक वही वॉरियर एटीट्यूड के साथ जो विसेनिया टारगेरियन इस्तेमाल करती थी वेगार का, वही एमन टारगेरियन भी कर रहा है, वो सैवेज वॉरियर एटीट्यूड, वो क्रुएलिटी, वो सारा कुछ भाई जो सामने आएगा उड़ा देना है। मैलिस जैसे खूंखार और वेल एक्सपीरियंस ड्रैगन, जिसने कई लड़ाइयाँ लड़ी हैं, जिसने रैनिस के साथ कई लड़ाइयाँ लड़ी हैं, उसकी धज्जियाँ उड़ा दिया इसने।
तो भाई सब सभी अभी इससे खौफ खा रहे हैं। उल्टा डेमन टारगेरियन जो भाई फायर एंड ब्लड के अकॉर्डिंग कराक्सस ड्रैगन ही वेगार की धज्जियां उड़ाएगा, वो तक इससे खौफ खाता है 1-on-1 की लड़ाई लड़ने के लिए। जो डेमन टारगेरियन चाहता है कि सपोर्ट में कोई आए तो मैं इससे भिड़ जाऊं। बाकी बाबा वेगार दमदार है, फाड़ है जो अभी जिंदा है। नाउ एंड द फोर्थ लार्जेस्ट ड्रैगन इज वर्मिथोर। वर्मिथोर की लाइफ में सिर्फ दो राइडर रहे हैं, एक प्योर डारगेरियन टारगेरियन जिसका किंग जहरिस टारगेरियन पहला एंड आखिरी टारगेरियन जो राइडर था। देन उसके बाद इसने अभी ये एपिसोड 7 में या फिर एपिसोड 8 में, मोस्टली एपिसोड 7 में ही चुनने वाला है, द बास्टर्ड ब्लैक स्मिथ ह्यू हैमर, जिसके खून जिसके रगों में वलेरियन खून दौड़ रहा है। और काफी लंबे समय से वर्मिथोर ने किसी भी राइडर को नहीं चुना था। इवन डेमन टारगेरियन ने भी कोशिश करी थी वर्मिथोर को अपने कब्जे में लेने की, लेकिन डेमन टारगेरियन को भी इसने धुतकार दिया था। और भी बहुत से बड़े बड़े दिग्गज राइडर आए, टारगेरियंस आए, जिन्होंने वर्मिथोर के क्लोज जाने की कोशिश करी, उससे बॉन्ड स्टेब्लिश करने की कोशिश करी, लेकिन सभी को इसने धुतकार दिया। आई डोंट नो कि ह्यू हैमर के साथ इसकी क्या सांठगांठ सेट हुई होगी, क्या ऐसा वलेरियन खून में इसे देखने को मिल गया होगा। जबकि 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 ड्रैगन प्योर ब्लड के अलावा किसी और से इतना लॉयल भी नहीं हो पाते हैं, लेकिन अभी हाउस ऑफ द ड्रैगन सीजन 2 में बास्टर्ड्स जो हमें देखने को मिलेंगे, बड़े बड़े अच्छे अच्छे ड्रैगन्स को राइड करते नजर आएंगे। वर्मिथोर ह्यू हैमर राइड करने वाला है, जो पहले बैटल ऑफ गल्ट में साथ देगा ब्लैक्स का अगेंस्ट ग्रीन्स, लेकिन देन उसके बाद यह पलटी मारेगा, तो इसलिए यह धोखेबाज ड्रैगन की लिस्ट में भी काउंट करा जाता है ह्यू हैमर, जो भाई बाद में ग्रीन्स की साइड चला जाएगा और टुम्बलटन की पहली लड़ाई में ये ब्लैक्स के खिलाफ लड़ेगा। लेकिन जब टुम्बलटन की सेकेंड लड़ाई होगी तब यहाँ पर इसके मन में लालच जाग चुका होगा और ये खुद सत्ता यानी थ्रोन को अपने हिस्से में अपने हाथ में लेने की कोशिश करेगा। और यहाँ पर एमन टारगेरियन या फिर एगोन टारगेरियन दोनों में से कोई एक आएगा और इसको मौका देखते ही इसकी धज्जियाँ उड़ा के रख देंगे। देन उसके बाद वर्मिथोर अकेला पड़ जाएगा और वर्मिथोर की धज्जियाँ सी स्मोक और टेसेरिन ड्रैगन दोनों मिलकर इसको पेल देंगे बुरी तरीके से। तो इसके भी राइडर, इसके भी जीवन काल में सिर्फ दो ही राइडर रहे हैं, एक किंग जहेरिस टारगेरियन, देन उसके बाद ये बास्टर्ड ब्लैक स्मिथ ह्यू हैमर। तो ऐसे भी चारों ड्रैगन्स की ये जीवन गाथा रही है, उनको राइडर को लेकर, उनकी खुखार दरिंदगी को लेकर और उनके जो लड़ाइयों को लेकर। लेकिन बात करें कि भाई साहब ये लोग मरे कैसे, यानी चारों ड्रैगन्स मरे कैसे। वलेरियन ड्रैगन जो काफी बूढ़ा हो चुका था, वो अपनी उम्र के हिसाब से मर चुका था। मेराक्सिस ड्रैगन वही जो स्कॉर्पियन किंग जो जहर की वजह से मर चुका था जब वो तीर मारा गया था, डॉर्निस ने तीर मारा था। देन उसके बाद वेगा ड्रैगन, ये मारा जाएगा करैक्सिस ड्रैगन के हाथों जब गॉड साइक के ऊपर बैटल होगी, इनकी लास्ट बैटल जब रेनेरिया टारगेरियन किंग्स लैंडिंग पर कब्जा कर लेगी। एक फाइनल वॉर या फाइनल बैटल लड़ी जाएगी डेमन टारगेरियन और एमन टारगेरियन के बीच में। देन उसके बाद वर्मिथोर का एंड कैसे होगा, वर्मिथोर का एंड सी स्मोक और टेसेरिन ड्रैगन दोनों मिलकर इसकी धज्जियां उड़ा देंगे। तो भाई साहब टारगेरियन हिस्ट्री में ये चारों ड्रैगन रहे हैं जो लार्जेस्ट ऑफ द लार्जेस्ट ड्रैगन हैं। देन उसके बाद जो भी ड्रैगन्स हैं सारे ड्रैगन्स सिमिलर टू साइज हैं, सी स्मोक, साइरेक्स, देन उसके बाद थोड़ा सा हाँ क्रैक्सिस ड्रैगन थोड़ा सा बड़ा है लेकिन वो सर्पेंट लाइक स्ट्रक्चर है, बहुत यूनिक स्ट्रक्चर है कैरेक्सस ड्रैगन का, दैट्स वाई कि उसे फायदा मिलता है वेगार को खत्म करने के लिए। खैर आपका कौन सा फेवरेट ड्रैगन रहा है नीचे कमेंट उसे जरूर बता के जाना। बाकी इन चारों लार्जेस्ट ड्रैगन में से आपका कौन सा फेवरेट ड्रैगन है इनमें से वो भी बता के जाना नीचे कमेंट बॉक्स पर। और हाँ तीसरी बात यह कि भाई साहब कंपैरिजन ये सेट करते हैं क्योंकि मार्केट पे ये कंपैरिजन जबरदस्त चल रहा है कि वेगार के सामने आखिर कौन कौन टिक सकता है कौन कौन नहीं। तो ओनली वलेरियन ड्रैगन ही था जो 1-on-1 में वेगार की धज्जियां उड़ा सकता था। उसके बाद मेराक्सिस में भी उतना दम नहीं था, बस बराबर की टक्कर होती, और वर्मिथोर में तो वैसे भी उतना दम नहीं है क्योंकि उसका राइडर जो है उतना दमदार नहीं है। हाँ वर्मिथोर खूंखार है वो कर सकता है लेकिन उसके राइडर में दम होना चाहिए, लाइक एमन टारगेरियन, लाइक डेमन टारगेरियन। अगर डेमन टारगेरियन वर्मिथोर को राइड करता तो इजली वेगार की धज्जियां उड़ा देता, क्योंकि वर्मिथोर अभी फुल एडल्ट है, फुल ग्रोन अप ड्रैगन है, वेल मैच्योर्ड है और काफ़ी खूंखार है, गुस्सा काफ़ी भरा हुआ है उसके अंदर और बहुत समय से वो अंदर ही रेस्ट कर रहा है, तो काफ़ी रेस्टेड ड्रैगन है, मतलब काफ़ी आराम ये कर चुका, तो इसके अंदर बहुत एनर्जी है। हाँ डेमन जैसा राइडर मिलेगा तो वेगार की धज्जियां उड़ा सकता है, लेकिन नहीं 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 कराक्सिस ड्रैगन ही वेगार की धज्जियां उड़ाएगा। दैट्स द हिस्ट्री ऑफ दीज फोर ड्रैगन। आपको इनमें से कौन सा अच्छा लगा और नीचे कमेंट में से जरूर बता के जाना। बाकी इनके बारे में कुछ और एक्स्ट्रा आपको पता हो
तो वो भी हमारे साथ नीचे शेयर करके जाना। बाकी मिलते रहेंगे ऐसी, जय हिंद। और अगली वीडियो किस पे लेके आए वो भी जरूर बता के जाना भाई साहब। एगेंडा कॉन्करर के ऊपर एक अलग से यूनिक वीडियो लेकर आए, क्या डिटेल्ड वीडियो, कैसे उसने लड़ाइयाँ लड़ी हैं, कैसे जीता है, क्योंकि वो पहला ये राजा था जिसने सातों साम्राज्य को जीता और उसको रूल भी किया है। और भी जो भी आपके हिसाब से हो नीचे जो कॉमेंट से जरूर बता के जाना, उस पर डिटेल्ड एक वीडियो बना के लेके आएंगे, रिसर्च करके लेके आएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। यहां तक पहुंच गए तो उसका वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद।